हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप लोग? आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नमस्कार सबको। वेल, माय नेम इज़ आशीष, आई एम अ योगा टीचर, लाइफस्टाइल वेलनेस कोच। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं, बहुत से कॉल आए हैं, वो ये बोल रहे हैं कि आप इन टॉपिक पर बताइए कि हम क्या कर सके। तो आज मैं जो बता रहा हूँ वो है हाउ टू रिड्यूस योर बैली फैट। आप अपने बैली फैट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? आई विल गिव यू 4 पॉइंट्स वेयर इफ यू फॉलो एंड इफ यू कंसिस्ट ऑन दैट, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सबसे चीज इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, वो है वाटर का। वाटर कंजप्शन एक इतना इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। देखिए, आपको करना क्या है, मॉर्निंग में जब आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले तो आपने गुनगुना पानी पीना है। देखिए, ये गुनगुना पानी जो होता है बहुत ही एसेंशियल होता है शरीर के लिए। इससे होता क्या है, आपके शरीर में जो रात भर का टॉक्सिक एलिमेंट्स होता है वो एलिमिनेट होता है थ्रू व्हेन यू गो फॉर योर यूरिन, और जब आप टॉयलेट के लिए जाते हैं तो गुनगुने पानी का पावर इतना ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकता। आयुर्वेदा में भी इस चीज़ को मेंशन किया गया है, उन्होंने क्लियरली कहा है कि गुनगुने पानी से शरीर में जो अम्लीय पदार्थ होते हैं, जो टॉक्सिक होता है, वो रिलीज होता है, वो निकलता है। तो पानी को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करिएगा। पानी जो है वो कैसे पीना है, कभी भी कोशिश कीजिए हाइजीनिक पानी तो बिल्कुल बढ़िया ऐसा लीजिए जो जहाँ से वो पीने लायक है। और मैं बॉटल वाली पानी के बारे में तो कुछ बात बोलूंगा नहीं कि वो कौन सा पानी देते हैं, क्या देते हैं, लेकिन हमेशा कोशिश करिए एक अपने साथ वाटर बॉटल कैरी करिए। प्लास्टिक यूज़ करना बंद करिए, बहुत हो गया। अभी आप एक कॉपर का बॉटल ले लीजिए या फिर स्टेनलेस स्टील का जो बॉटल आता है वो यूज़ करिए, उसमें एक पानी कैरी करिए अपने साथ। गुनगुना पानी आपने पीना ही है, सुबह उठ के सबसे पहले काम यही करना है, गुनगुना पानी। पानी देखिए, शरीर जो है 75% वो है पूरा ह्यूमन बॉडी वाटर का बना हुआ है। जब वो वाटर कंटेंट प्रॉपर मिलता है तो वो टॉक्सिक एलिमेंट्स बाहर निकलते हैं, वो जो आपका फैट है जो शरीर में कई दिनों से जमा हुआ है वो रिलीज होता है। तो पानी जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी है। तो पानी का सुबह उठते ही आपने क्या करना है, 2 से 3 गिलास तो पहले गुनगुने पानी पीना है। उसके बाद आप अपना बाथरूम जा सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं, जो भी आपको काम करना है वो कर सकते हैं। जैसा दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए फैट लॉस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि कुछ फूड हैं, कुछ फ्रूट्स हैं जो फैट लॉस बर्न करते हैं। अच्छा, वो फूड कौन कौन से हैं वो अभी मैं आपको बताता हूँ। एक तो होता है आपके फलों में पपाया होता है, बनाना होता है, एवोकाडो होता है, आपका तरबूज होता है। ये ऐसे फल हैं जिसका इस्तेमाल अगर आप करते हो अपने डे टू डे लाइफ में, रोज तो नहीं कर सकते लेकिन एक भी फल अगर आप मिल जाता है और उसे खाते हैं तो वो आपके जो फैट हैं उसको बर्न करने में बहुत मददगार होता है। तो ये फ्रूट तो आपने लेने ही लेने हैं किसी भी हाल में, वो आप भूल जाइए कि अदर चीज़ें आपको खानी है नहीं खानी है, क्योंकि मैं और बाकी चीज़ों पर नहीं बोलूँगा। आपको सब पता है कि फ्राइड आइटम, शुगर, रिफाइंड चीज़ें ये बिल्कुल भी सही नहीं है सेहत के लिए। मैं यहाँ पर 4 टिप्स आपको देने वाला हूँ, जो 4 टिप्स यूज़ करेंगे आप डेफिनेटली आपका फैट लॉस होना ही होना, कोई आपको फैट लॉस होने से रोक ही नहीं सकता, इतना ये कारगर सिद्ध हुआ है। ये 4 सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मोटापा एक ऐसी समस्या है जिससे जिसको होता है उसको पता है। मैंने बहुत सारे क्लाइंट हैंडल किए हैं, वो जो पहले 90 किलो के थे, 85 किलो के थे, बाद में उनका वजन घट के 70 किलो, 65 किलो, 60 किलो ऐसा हुआ है। तो रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपने वो चीज़ जो मैं बताया हूँ वो फॉलो करना है, आपको रिजल्ट आना ही आना है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि ये फैट लॉस फ्रूट जो है ये आपको ऐड करने हैं अपने खाने में, कब क्या कैसे करना है वो आपको मैं बताऊंगा। फ्रूट के अलावा कुछ दालें हैं जो बहुत ही अच्छा है, आपका मसूर की दाल ले सकते हैं, तूर की दाल ले सकते हैं। आपने ओट्स का रोटी बनाना है, ओट्स का आटा तो मिलता नहीं है बाहर, लेकिन ओट्स जो घर में होता है उसको आप ग्राइंड करके रख सकते हैं, मल्टीग्रेन रोटी खाना स्टार्ट करिए। ये सारी चीज़ें करना है तो ये फैट लॉस बर्न करने में हेल्प करेगा। तो आपको मैंने 2 चीज़ बता दी, अभी मैं तीसरा एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये अब है क्या? देखिए, एक ऐसा नया फास्टिंग रूल आया, रूल नहीं बोलूँगा, ये एक नया खोज हुआ, आविष्कार हुआ है, अंग्रेजों ने किया है, वेस्ट से आया है, जो कि पहले से हमारे देश में था, हम लोगों को सब कुछ पता है, लेकिन हम लोग जब तक वो बाहर से आता नहीं ना वो चीज़ करते नहीं है।
तो अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग बोल के एक चीज आया है, रिजल्ट आता है इससे, ये हम लोगों को भी पता था लेकिन इन लोगों से आया है तो चलिए अब उसके बारे में बात करता हूँ। होता क्या है इसमें, ये 16-8 का एक रेशियो है जिसमें आपको 16 घंटे खाने नहीं है, 8 घंटे आपको खाने हैं। तो वो 16 घंटे जो है वो शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक आपने कुछ नहीं खाना है। आप लिक्विड आइटम ले सकते हैं, आप कॉफ़ी पी सकते हैं, आप चाय पी सकते हैं, आप ग्रीन टी ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि उसमें शुगर ना हो। नेचुरल रिफाइंड शुगर तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। अगर आपने तलब है बहुत ज़्यादा शुगर लेने की तो आप उसमें नेचुरल शुगर ऐड कर सकते हो, वो चल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लिक्विड आइटम ले सकते हैं, आपने दूसरा चीज़ कुछ खाना ही नहीं है इन 16 घंटे के दौरान। और ये चीज़ आपको करनी है, दो कप करनी मैं बताता हूँ, लेकिन 16-8 का रेशियो आपको बना के रखना है। 16 घंटे कुछ नहीं खाना है, 8 घंटे आपने खाना है। शाम को 6 बजे से दूसरे दिन 10 बजे तक कुछ भी नहीं खाना है। 10 बजे के बाद आप जो भी चीज़ चाहें वो खा सकते हैं, लेकिन वो जो खाना आपने खाना है वो ब्रेक करके खाइए। फॉर एग्जाम्पल, आप ब्रेकफास्ट में 4 रोटी खाते हो, 4 को आप 2 कर लो। अभी 2 करने से आपको भूख लगेगी, आप बोलेंगे। अच्छा, 2 का मैं आपको यहाँ पर एक तरीका बताता हूँ। 2 जो आपने खाना है बड़ा ही सलीके से आराम से चबा चबा कर खाना है। ये जो एक 32 बार का फार्मूला है ना, जो हमारे वेदों में, आयुर्वेदा में बहुत पहले से मेंशन किया गया था कि खाने को हमेशा 32 बार चबा चबा कर खाना चाहिए, बस वही फार्मूला आप ऐड करिए। फिर देखिए आपने करना क्या है, ये खाने को बड़े ही आराम से सलीके से 32 बार चबा चबा कर खाइए। खाना इतना ग्राइंड कर दीजिए कि वो अंदर जाते ही स्मूथ हो जाए, उसको एकदम पानी बना ले, तो वो अंदर जाएगा। तो फिर उसके बाद उसका रिजल्ट देखिएगा कि क्या होगा, आपने भूख ही नहीं लगेगी। 2 के बाद आप खा ही नहीं सकते तीसरा, अगर फिर भी लगे आपको तो फिर तीसरा भी खा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो 32 का मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो तो करना ही करनी है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम जो है, 16 घंटे आपको कुछ खाना नहीं है, 8 घंटे जो है उसमें खा सकते हैं, वो भी ब्रेक ब्रेक में खा सकते हैं, जो चाहे वो खा सकते हैं आप। अभी मैंने जो चाहे वो बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने रिफाइंड शुगर लेना है, स्वीट लेना है, फ्राइड आइटम लेना है, वो तो बिल्कुल ही नहीं खाना है आपने। तो वो चीज़ तो आपको हेल्दी चीज़ें खानी है, ठीक है। ये 16-8 का करना कब है, हफ्ते में आप 2 बार कर लीजिए। आज अगर आपने मंडे या ट्यूसडे को किया, दूसरा आप एक दिन अल्टरनेट डेज पे कर सकते हैं, या तो आप थर्सडे को कर सकते हैं या तो फ्राइडे को कर सकते हैं, ये आप कर लीजिए हफ्ते में, रिजल्ट देखिए। और भी उसके हैं लेकिन अभी ये 16-8 का फार्मूला आप करिए। मैंने 3 चीज़ें बताई, एक पानी बताया आपको, गुनगुना पानी आपने ऐड करना है अपने डे टू डे लाइफ में। दूसरा मैंने आपको बताया जो कि फ्रूट है आपके फैट बर्नर के लिए। तीसरा इंटरमीडिएट फास्टिंग। चौथा जो है वो एक्सरसाइज है। देखिए मैं तो योगा टीचर हूँ, मुझे मालूम है कौन कौन से आसना, पोस्चर, एक्सरसाइज जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। कहते हैं ना कि एब्स नॉट एब्स कम्स इन द किचन नॉट इन द जिम, तो वही है एब्स भैया। ऐसा है कि पूरा का पूरा खेल जो है ना वो खाने का है, वो डाइट का है। अगर आपका डाइट सही है तो कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता शेप में आने के लिए। आई एम बिलीव मी, यू विल लुक सो डिफरेंट। आपके जब वेट लॉस होता है, जब एनर्जी बॉडी पे फ्लो करती है ना, तो आप यू विल फील समथिंग डिफरेंट। कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होता है, आप में वो एक एहसास होता है कि आप भी वो चीज़ कर सकते हैं जो सालों तक आपने किया नहीं था। बहुत सारी चेंजेस आती है, मैंने देखा है लोगों को ये। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, हम बड़ा ही अंडरस्टिमेट तरीके से खाना खाते हैं, हमारा लाइफ स्टाइल है, तो वो जब वो चीज़ें तो आपने बिल्कुल करनी नहीं है। हेल्थ इज़ वेल्थ। आपका शरीर अगर स्वस्थ है, अच्छा है, सुंदर है, तभी उसकी कोई उपयोगिता होगी, नहीं तो आप जिंदगी भर यही बीमारी लेकर चलते रहेंगे। और फैट जो होता है बहुत ही बुरा, मैं बता ही नहीं सकता कि कितना आपको परेशान करेगा, क्योंकि इंडिया में 24% जो प्रॉब्लम होती है वो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वो सब फैट, बैली फैट से ही आता है। तो मैंने 4 टॉपिक आपको बताए, जिसमें से एक्सरसाइज जो लास्ट में मैं बताया हूँ वो मैं आपसे एक सेपरेटली मैं शेयर करूंगा कि कौन सा एक्सरसाइज, कौन सा आसना आपको करना है, वो आप जरूर करिएगा, तो इससे आपने फायदे जरूर होने हैं, ठीक है जी। अगर ये आपको लगता है कि 4 नुस्खे अपनाने से आपको मदद होती है, हेल्प होती है,
तो इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि मेरा एक मिशन है, मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो स्वस्थ हों, जो हेल्दी हों, और मेरा एक मिशन है, मिशन पे चल पड़ा हूँ, तो मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है जी, और मैं सच में चाहता हूँ कि आप अच्छे रहें, खुश रहें, फिट रहें, दिखने में अच्छे लगे, है ना। तो ये जो हमारे खाने पीने का जो तरीका है, उन चीज़ों पर हम ध्यान देके, संयम देके उस चीज़ को बदला जा सकता है। तो इसमें मैं आपका साथ चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि ये उपयोगी है तो बिल्कुल ये वीडियो को आप किसी और के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनको भी इसके फायदे हों। और मैं आने वाले दिनों में और भी जो एक्सरसाइज का सीक्वेंस है वो मैं लेके आऊँगा। तो यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू जी।